खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। अभी हम गोदपुर में हैं, अभी हम गोदपुर से जाएंगे हेड बराता और आपको मैं सारा कुछ व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकती हैं, ये अभी बाजार है, गोदपुर का बाजार है। ये वन वे रोड है, बहुत खराब रोड है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये टूटी हुई रोड्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो शहर वाला इलाका है ये कम होता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दरमियान में पानी है सड़कों में। ये आप देख सकते हैं ये गंदा सा नाला है, सीवरेज का पानी इसमें आता है। यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े खेत हैं। अब ये रोड थोड़ी सी सही हो गई है, यहाँ से सियालकोट अगर हम वापस जाएं तो वो 6 किलोमीटर है, यहाँ से हेडरल है 17 किलोमीटर। ये एक पेट्रोल पंप है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आप देख सकते हैं ये हरी भरी खेतें आ गई हैं इधर। ठंडी सी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब आप ये देख सकते हैं ये रोड की कंडीशन वैसे ही हो गई है जैसे पहले थी, खराब। ये आप देख सकते हैं ये है क्रेन, ये फिर थोड़ा सा सिटी आ गई है, ये बाजार है। ये आप देख सकते हैं इतनी खराब रोड है। आप देख सकते हैं ये खेते हैं, और ये जो आप मशीन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है गंदम की कटाई के लिए। इस तरफ है ये सोसाइटी, सिल्क सिटी हाउसिंग सोसाइटी। साइडों पे ये बहुत ज़्यादा खेते हैं गंदम की। ये आप रोड देख सकते हैं, ये बहुत ही टूटा हुआ रोड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये आप देख सकते हैं ये गंदम है, ये लोगों ने काट लिए और इसके ये बंडल्स बना लिए हैं, और ये बंडल अब ये मशीन्स पे ले जाएंगे जहाँ पे इसके बीज अलग कर दिए जाएंगे, और फिर इनके बीजों को, इनके बीज से आटा बनेगा। ये आप रोड देख सकते हैं, ये इस तरफ की रोड बन रही है, यहाँ पे मशीनरीज लगी हुई हैं, क्रेन ये रोड बना रही हैं। इस तरफ भी लोगों ने अपनी गंदम की कटाई कर ली है। अब ये जो सीज़न है ये गंदम की कटाई का, कुछ लोग कर रहे हैं, जिनके पास मशीनरी है वो लोग कर रहे हैं, और जिनके पास मशीनरी नहीं है वो वेट कर रहे हैं, वो मशीनरी लाते हैं और करते हैं, कुछ लोग हाथों से ही काटते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइपलाइन हो रही है। आप देख सकते हैं वहाँ पर गंदम की कटाई हो रही है।
यहाँ पर बहुत से मार क्यों हैं। ये आप कॉलेज देख सकते हैं, ये है स्पायर कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है ये। ये है मिल, और वो है, वो भी एक मिल है। यहाँ पर बहुत से लोगों के फार्म हाउसेज हैं जिनमें उन्होंने बाग है, भैंसे रखी हैं अपनी। ये कोटली रोहाड़ा आ गया, इस तरफ आप देख सकते हैं कि बाग है, सोड़ी नर्सरी है, मुझे लगा बाग था। अब ये रोड सही आ गई है, ये है इंटरनेट का टेलीकम्युनिकेशन, जिससे जो केबल वाले टीवी होते हैं तो आप देख सकते हैं ये रोड सही है। ये है 5G का नेट कनेक्शन पावर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के जानवर ऐसे ही रोड पर आ जाते हैं जिससे बहुत से हादसे होते हैं। आप देख सकते हैं अब ये जो पीछे बाजार है वो लग गए हैं, ये खाली करने लग गया क्योंकि यहाँ भी रोड है, साइडों में खेत हैं, खेत हैं। और ये पेट्रोल पंप है, ये है एक नर्सरी। वो आप उस तरफ देख सकते हैं, वो वहां पर नहर है और ये गंदा। आप ये देख सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा दरख्त हैं वहाँ पर नहर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में हेड मिनल्ला दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।